Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया। दोस्तों अभी पता है मिस्टर आज का हम देख सकते हैं इनको पूरा थक गए हैं ये। गाइस पता है कितना मुश्किल हो रहा है ब्लॉग बनाना। बैक कैमरे से मैं बना रही हूँ, खुद से मेरा फ़ोन का ना क्वालिटी बिल्कुल गंदा हो गया। और यहाँ पे मिस्टर आज सो रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा देर तक ज़मीन पे खड़े थे, प्लस घर का पूरा राशन वगैरह लेके आए हैं मार्केट से। लेकिन अब मैं भी जाऊँगी सब्ज़ी लाने के लिए। सब्जी के लाने के साथ साथ मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। अभी तो मेरे को 1 मिनट टाइम है, मैं अपने मम्मी से बात भी नहीं की हूँ पता है 2 दिन से। और यहाँ पे भी कपड़े धोने हैं, फिर से पूजा रूम को भी ठीक करना है, किचन को भी ठीक करना है। अभी मैं बना रही हूँ किचन में चावल। बाकी इनको देखिए, अभी मत सोइए नहीं तो रात में जागे रहेंगे आप। और आज बनने वाला है मोमोज। मोमोज खाएंगे ना? वैसे इनको थोड़ा आज मोमोज बनाएंगे, लेते हैं ना, बनाया जाएगा सही में। हाँ सब कुछ है घर पे, रिफाइन वगैरह लेके आएंगे। आप रिफाइन क्यों नहीं लेके आए? रिफाइन ही था उस दिन, तो लाया था रिफाइन। तो उस दिन निशा दी का वो कुछ बटन, था ना बटन है ना चीज। हाँ चीज वाला नहीं बनाएंगे लेकिन। नहीं नहीं हैवी है वो। हमको ना चीज पता नहीं क्यों डाइजेस्ट नहीं होता, वो उस दिन खा लिए थे इसलिए उल्टी हो गया। लेकिन वो उल्टी नहीं बटर, होता हल्का सा बटर। क्योंकि ना हमको सरक गया था अचानक से इसलिए। लेकिन कल हम लोग के बीच बहुत ज़ोरदार लड़ाई हुई थी, और लड़ाई हुई थी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग गए थे ना वहाँ पे, फिर आने का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अब आंटी को भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन अभी सबसे बात कर लेंगे रात में। और सिर्फ मेरे को पता है गाइस लड़ाई क्यों हुई थी, हम बता देते हैं। इसलिए कि हमारा था ना कि अभी एग्ज़ाम जो होने वाला है हमारा सेकंड सेशनल एग्ज़ाम, उसमें ये नहीं पता था कि सबको डिटेन ही करेगा क्योंकि 75% ही चाहिए। और पता है क्या, 65% वाले को भी डिटेन कर दिया है। बताओ 68% वाले को भी डिटेन कर दिया, मतलब 75 का 75 चाहिए ही चाहिए, ऐसा सिस्टम है। और 62 बचे हमारे क्लास के रिटेन। मैं तो अपना रीज़न समझ सकती हूँ, लेकिन बाकियों का क्या रीज़न है ये मुझे नहीं पता। एकदम लगातार बाकी सबको तो एग्ज़ाम देने चाहिए, इसलिए कि 65-68 था फिर भी। तो शायद वो लोग दिसंबर तक अपना कर लेंगे, लेकिन मेरा अटेंडेंस तो काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि मैं तो उतना क्लास ही नहीं गई हूँ। एंड मैं बहुत इधर इधर उधर उधर ट्रिप पे रहती हूँ। आप लोग देखते हो, आप लोग भी इतना केयर करते हो, बोलते हो कि दीदी आपका अटेंडेंस बहुत कम होता होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम टाइम इस बार ना थोड़ा रूल ज़्यादा ही वो हो गया है, अलग हो गया है। सारे मतलब सब डिपार्टमेंट के आई थिंक डिटेन हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको बोली। मुझे लगा कि मैं डिटेन नहीं होंगी क्योंकि अभी तक डिटेन लिस्ट नहीं आया था और मॉर्निंग तक भी नहीं आया था। कॉलेज जाने के बाद पता चला कि हाँ एग्ज़ाम नहीं देना है, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। इसलिए मैं इनको बोली कि आप चलिए अभी की अभी, क्योंकि हमको पढ़ना भी है। मेरे को लगा रात में आएंगे तो हम पढ़ेंगे कब, इसलिए दिन में मैं आई और रात को मैं पढ़ी थी। रात को लगभग 2-2:30 बजे तक मैं पढ़ी थी, उसके बाद मैं सो गई। फिर मॉर्निंग में उठ के फिर मैं पढ़ी थोड़ा सा, फिर सो गई। उसके बाद नहा धो के नाश्ता वगैरह बना के मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज जाने के बाद पता चला कि भाई साहब एग्ज़ाम नहीं देने देगा। बाकी मैं मम्मी जी का भी जो भी था मम्मी का ऑपरेशन वगैरह वो मैं सोची कि अपने टीचर से बताऊं, लेकिन मतलब यहाँ ऐसा है कि कोई कुछ सुनेगा नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेडिकल लेके आए थे, लेकिन उन लोग का भी कुछ नहीं हुआ। तो चलते हैं पहले किचन में, तो मैं बात करते रह जाऊँगी। और हमारा चावल जो मैं बना रही हूँ अभी राशिद के लिए, राशिद पढ़ने गया। राशिद को मैं मॉर्निंग में रोटी और आलू का भुजिया बना के दी थी, वो खाया थोड़ा। और ये बोल रहा है अपना फ़ोन मांग रहे हैं, इनका आँख थोड़ा लाल लाल थे देखे। हाँ नहीं ठीक है, इतना देर तक प्लॉट पे खड़े रहते हैं पता है। बोल रहे हैं कि देखो ना टाइल्स खरीदने गए वहाँ पे टाइल्स खरीदने गए, तो वो पूछा ना दुकान वाला कि आपका घर अभी कहाँ तक हुआ है, तो ये बोल दिए कि अभी तो ढलाई हुआ है। तो वो बोल दिया है कि 1.5 साल अभी टाइम है, तब आइएगा 1.5 साल बाद, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गए थे।
क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हम लोग को थोड़ा ज़रूरी है अभी घर का, इसलिए कि अभी रेंट पे है ना हम लोग, और वो लोग भी जिनका घर है वो लोग भी शायद यहाँ आ जाएंगे, फिर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए घर बन जाए, आप लोग प्रे करो जल्दी जल्दी हमारा घर बन जाए, जल्दी से हम लोग भी शिफ्ट हो जाए नए घर में। एंड ये हमारा भी चावल बन रहा है, तो राशिद दिख नहीं रहा है, वैसे आ गया होगा रूम में होगा, लेकिन अभी राशिद एक काम कर दिया है जिसकी वजह से वो डांट सुन भी सकता है। राशिद भी आ गया है और यहाँ आशीष भी है। अभी हम देखे ना यहाँ पे इतना सारा बाल है, मिस्टर राजपू ना ऐसे बाल मेरे बाल से इतना परेशान रहते हैं ना, झड़ता है जो। अभी वो आए रूम में, हम पहले आशीष से पूछा, आशीष बोला मेरा नहीं है बाल, बोले आने दो पहले उसे पूछते हैं, और ऐसे लग रहा ना कोई बाल ऐसे ऐसे काट लिया है। बात बताइए तो क्यों तुम आते नहीं हो क्या, मतलब हम कहाँ झाड़ेंगे, मैंने क्यों नहीं झाड़ सकते हो, तुम आते हो इसलिए झाड़ सकते हो और क्या। नहीं आते, मेरा बाल बहुत। अरे हम इसको पूछे इससे कि तुम धाड़े हो क्या, काफ हो गया कुछ नहीं। ये है हमारा आई कार्ड, जो किसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र हमारा ये ये भगवान देख सकते हो गाइस क्या बोल रहा है ये। मंगलसूत्र का मतलब जानते हो क्या होता है, कोई भी चीज मंगलसूत्र नहीं हो सकता है। यस, लेकिन हम लोग बोलता है कि ये बहुत ही आवश्यक है, आईडी कार्ड नहीं रहेगा तो बिना आईडी कार्ड और बिना एप्रॉन का कॉलेज में अलाउ नहीं है। चलो अब तुम ड्रेस वेस चेंज करो, खाना पीना खा लो, तुम्हारे लिए ही चावल बना रहे हैं स्पेशली तो अभी हम चावल बना रहे हैं, अब थोड़ी देर में हमारा चावल भी हो जाएगा शायद, हो गया है थी तब से मैं बैठा ही हूँ। अब मैं मार्टो खा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। बाकी तनु भी आ गई है, ये पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो गया गाड़ी का, तनु का मंगलसूत्र आ गया कॉलेज वाला अब मिला है तनु, देखे तनु का फोटो। घर में खाने में चावल दाल सब्जी अचार अभी आ गया छत पे, एंड छत पे आई थी मैं रील बनाने के लिए, बहुत सारा हमने रील बना लिया, और यहाँ पे ना घर का ढलैया हो रहा है यार, तो बहुत डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए कि आवाज़ इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मेरा सारा रील ही हो जा रहा है। रील तो चलो गाना है लेकिन ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए आप ब्लॉग को रहने से यहीं तक। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और खूब सारा शेयर करना। बाकी राशिद ने मेरा खूब सारा रील डाला है, प्लस फेसबुक पे हमारा सचिन मनीषा पेज है, वहाँ भी जाइए, आप लोग को वहाँ अलग अलग अब रील देखने को मिलेगा, थोड़ा कॉमेडी टाइप का आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जाते थे हमारी इंस्टाग्राम आई डी है राज मनीषा सचिन, तो आप लोग फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जाओ जल्दी जल्दी फॉलो करो, एंड मैं बार बार बोल रही हूँ परचेज करो, परचेज मत करना, बस फॉलो करना। बाय बाय, लव यू ऑल।